پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ، پورے خلوص اور محبت کے ساتھ خانوادہ آل محمد پہ بلند ترین صلوات کہہ دیجئے
मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब से, पनाह मांगता हूँ उससे, पनाह मांगता हूँ जो मालिक नास है, इलाही नास है, मालिक भी है, लोगों का परवरदिगार भी है। मिन शर्रिल वसवास खन्नास, और उससे पनाह मांगता हूँ जो शैतान इंसानों के दरमियान भी है, जिन्नों के दरमियान भी है। उस इन शैतान से पनाह मांगता हूँ जो जिन्नों में भी है, जो इंसानों में भी है, जो जिन्नों में भी है, जो इंसानों में भी है। या अल्लाह, ये कुरान हकीम है, हम 14वीं सदी के मुसलमान हैं, हमारी तो अकल इतनी फास्ट है, लेकिन तू समझा तो सही, कैसे पता चले ये जिन्नों वाला इंसान तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने से भाग जाता है, ये इंसानों में कौन है जो शैतान बन के रहता है। शैतान से तुम्हें पनाह देता हूँ, ये जिन्नों वाला तो समझ आता है ये इंसानों में कौन शैतान है। हम देखे तो सही भाई, अगर जमाने में हम हैं तो हमारे ऊपर लेबल लगाएंगे काफिर, तो हम सीधा पहले भी क्लियर आपने कर दिया काफिर, तो हमें मुसलमान ही सारे मिलके बोलो हम सीधा शैतान है बंदो नहीं हमारे तो नहीं। खबरदार, जो भी मेरे हबीब के दिमाग पर Yeah.
जिम्मेदारी के साथ खतीबाना जिम्मेदारी के साथ एक लफ्ज भी कुरान से बाहर नहीं कहना चाहता। मेरे हबीब ये जो तुमसे बयत मांगते हैं तो ये बयत तेरी बयत नहीं, ये मुझे अल्लाह की बयत है। आप अगर इजाजत दें तो एक फिक्र करूँ दावत इस्लाम की तारीख हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से शराब तबीयत है तो एक फिक्र करूँ। ये अल्फाज जो है तीसरी चौथी जमात की किताबों में लिखे हुए, तीसरी चौथी जमात के सिलेबस में ये जुमले लिखे हुए, तो इस मेंबर से नौकर नजर करना चाहता है कि पहली बयत इस्लाम की जब होने लगी और तुम्हें मलिकतुल अर्द ईमान आई, बच्चों में अली छोटा था वो ईमान आया, बूढ़ों में फला फला लाया, अकल का तकाला इंसाफ तो कर, ईमान हो जाता है जो पहले काफिर होता है। मुसलमानों ने फायदा शिकार नहीं उठाया, बयत कमली वाले की होने लगी, मलिकतुल अरब पास आई, पास आकर कहा कमली वाले मैं आपकी बयत करना चाहती हूँ। आपने फौरन कहा या खतीजा तो सज्जत के फाव का यद अलियन, ए खतीजा अगर तू मुझ मोहम्मद की बयत करना चाहती है तो अपना हाथ उठा और उठा के रख दे अली के हाथ के ऊपर। अपना हाथ उठा और रख दे अली के हाथ के ऊपर, फपाया अली अपने अभी तालिबिन मिसला मा पाया अले, और इस अली की बयत ऐसे करना जिस है जैसे इस अली ने मुझ रसूल की बयत की है, मुझ रसूल की बयत की है, ध्यान ही नहीं था मेरे बोलर साहब मेरा, जैसे इसने मुझ रसूल की है, क्यों कि अली की बयत मेरी बयत है, मेरी बयत अल्लाह की बयत है। अपना हाथ उठा और रख दे अली के हाथ के ऊपर। मजमा मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं ही नहीं समझा सका, मैं ही उन्हें समझा ही नहीं सका, पाक से गला मेरे लफ्जों और लहजे में इतना असर दे कि आने वाले ये खूबसूरत फिक्रे मुंतजर मेहंदी अकीने की कलम से अपने सामईन की रोशन रूहों पे तहरीर करना चाहता है। ये अल्फाज है फिर मुसलमाना ने आलम की मशहूर ये तीसरी चौथी जमात में ये वाक्य लिखा है कि कमली वाला इज्जत बाप सरकार रिसालत मुआब मस्जिद नबी के दरवाजे में खड़े थे, आ हजरत के हाथों पे एक तश्त था, तश्त ऊपर से ढकावा था, हाथों पे उठा के काली कमली वाला गली में हर गुजरने वाले को हर आने जाने वाले को खजूरें तकसीम फरमा रहे थे, रहमतन लिल आलमीन अपने हाथों से खजूरें दे रहे थे। मुस्तनद तरीन रावी कौन? खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। मुस्तनद तरीन रावी हजरत अबू बकर का गुजर हुआ, उन्होंने कमली वाले को देखा खजूरें बांट रहे थे, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बानियान किसी उलझन में न हो, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, मैं लफ्ज़ कहना ही नहीं चाहता, मेरी बात भी आप हालात बेहतर जानते, हाथ बढ़ाया, बस आप ये खुद सोचिए किसने बढ़ाया किसके आगे बढ़ाया। बढ़ाया कायनात की कुल रहमत ने हाथ खजूरों के अंदर डाला, मुट्ठी भरी भर के सुसर के हाथों पे रखी, उन्होंने हाथ बंद किया, चंद कदम आगे गए, दरवाजा अबू तालिब का आया,
वहां पे अली खड़े थे, उनके हाथों में भी तश था, उन्होंने भी थाल खजूरों को रखा रखा था। सहाबी रसूल के हाथों पे रखा, उन्होंने दूसरी हथेली बंद की, चंद कदम के फासले पे ले गए, जाकर दोनों हथेलियों को खोला, दोनों के अंदर 18-18 दाने खजूर के निकले, 18-18 दाने खजूर के निकले। एक मरतबा उन्हीं कदमों पे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हुए वापस आए, वापस आकर कहा, या अली आप खजूरें तकसीम कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? कहा, आपसे चंद कदम पीछे आप दोनों ने 18-18 ताने मुझे क्यों दिए? एक मरतबा वो तालिब का बेटा कहता है, अगर मेरा मोहम्मद तुम्हें ज्यादा देता तो मैं अली भी ज्यादा देता। अगर उन्होंने 18 दिए थे, सरदारियां कहें बाप की इज्जत हो, इकबाल बुलंद, मेरे माँ बाप आप पर फिदा। समझ नहीं आती सैयद साहब, ये सहाबा माँ बाप फिदा बड़ा करते थे, खुद फिदा क्यों नहीं हुए? कमली वाले इज्जत वाले रसूल आप खजूरें तकसीम कर रहे थे, क्या कर रहा था?